चल रे चल। पाकिस्तान में तैली मुआसलात की तरबियत का बेहतरीन इदारा है। इस इदारे से पुलिस को वायरस के शोबे की मुकम्मल तरबियत दी जाती है। इस वक्त सुबह पंजाब के अलावा इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मोटरवे पुलिस के जवान यहां से तरबियत हासिल कर रहे हैं। जनाबे वाला, हमारे इदारे में तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरान को यहाँ कानूनी, फनी और तकनीकी तरबियत फराहम की। वहीं जदीद दौर से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत भी फराहम की। आज पास आउट होने वाले नौजवानों ने अपने 4 माह की तरबियत मुकम्मल कर ली है। इनकी तरबियत करने वाले असातिज़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतों से इनकी तरबियत की। इसी तरह जेरे तरबियत जवान भी हराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने मकानी कोर्स मुकम्मल करके अपने अमली शोबा में कदम रखना है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। आमीन। कार्रवाई का आगाज कर रही है। पीपल पार्टी के जवान देश के खूबसूरत अंदाज में अपनी कार्रवाई का आगाज करते हुए इनाम हासिल करने वाले आज शर्ग आओ शाद इनाम
इनाम हासिल करने वाले जज साहब छड़ गए वही जमा है कबीले की आंख का तारा शबाब जिसका है बेदा दर्द है का पोस्ट के दौरान एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले जवान उस जिनका ताल्लुक चकवाल से है और कोर्स में ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल की अतीक अहमद ने जिनका ताल्लुक मोटरवे जोन से है अभी एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लाल अहमद कोर्स में ऑल राउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले सवाल है अतीक अहमद एग्जाम में फर्स्ट जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है उस्मान शाहिद इसके साथ ही तकसीम इनामात का मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा तकसीम इनामात का मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा माने खुशखुशी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इंतहाई काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहिब इंस्पेक्टर्स स्टाफ मेंबरान अजीज जवानों अस्सलाम वालेकुम आज
हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आप लोगों ने 4 महीने की ट्रेनिंग कामयाबी से मुकम्मल की। इसमें आपके टीम का इंस्ट्रक्टर और बाकी स्टाफ मेंबर्स की मेहनत के साथ साथ जो आपने मेहनत की है, मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल था। कम्युनिकेशन के बगैर ना तो कोई जंग जीती जा सकती है ना लड़ी जा सकती है। पुलिस का काम इस नोयत का है कि पुलिस हर दिन किसी ना किसी मकाम से किसी टीमें के साथ मुसलसल जंग की हालत में होती है। इन हालात में कम्युनिकेशन का बेहतर निजाम पुलिस को बर वक्त इतला और वसायल की फराहमी में बुनियादी अहमियत रखता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जब क्राइम हो रहा हो, वक्त पे अगर उसकी इतला कर दी जाए और पुलिस का कम्युनिकेशन का महकमा फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को टाइम पे मौका वारदात पे बनवा दे तो क्रिमिनल के पकड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी आपसे ये तकदीर होगी कि जब भी आपके पास 15 की कॉल आए तो उसको इंतहाई अहमियत से देखें। ये जो मोटरवे का इंसीडेंट हुआ है, रेप हुआ है, उसके बाद वो खातून 1.5 घंटे तक मुख्तलिफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ रब्ता चाहती रही, लेकिन पुलिस बर वक्त ना पहुँच सकी, जिससे पुलिस की बदनामी दबक बनी। अगर पुलिस बर वक्त पहुँच जाती तो वो जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसको बचाया जा सकता था, मुल्कान को फरार होने से पहले पकड़ा जा सकता था। इसलिए तो पंजाब पुलिस ने पुकार नामक एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इसको इतना अहमियत दें जहाँ यहाँ आप तैनात होंगे। पुकार जो है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपने यहाँ से भी सीखे होंगे, उनके साथ आपने काम करना है। उनका डेटाबेस कैसे मेनटेन करना है, पुलिस पार्टी को जब डिस्पैच करना है तो कौन सी एंट्री करनी है, जब पुलिस पार्टी डिस्पैच होती है उसके साथ कंटिन्यूस आपने रबते में रहना है ताकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है कम से कम वक्त में मौका वारदात पर पहुँचे कार्रवाई कर सके। इसके साथ क्योंकि अक्टूबर में 2-3 टेक्नोलॉजी बड़ी अहमियत रखती है, एक एनालॉग टेक्नोलॉजी है जो आज तक पंजाब पुलिस में इस्तेमाल हो रही है, दूसरी टेक्नोलॉजी डिजिटल है जो इस दौर की टेक्नोलॉजी है, और तीसरी टेक्नोलॉजी G4 टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। तो इन तीनों के आप लोगों ने अबूल हासिल करना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में आपको इन तीनों के बारे में बुनियादी चीज़ें बताई गई हैं। आप वक्त के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में इनके अबूल भी हासिल करें। ये जो एनालॉग टेक्नोलॉजी है वीडियो बढ़ दी ना, वीडियो वीडियो ही कोई चलती पे है Thank you.
ऐसे वो कर स्टॉप।